तो फ्रेंड्स चलिए आज हम कुछ नया सीख लेते हैं बाइक के रिलेटिव। तो देखिए मेरे पास है TVS कंपनी का अपाची RTR 160 बाइक है और ये BS4 मॉडल है। BS3 मॉडल में भी ये प्रॉब्लम आ सकता है और BS6 बाइक में भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो अभी हम बात कर लेते हैं BS4 की, क्योंकि इस बाइक का जैसे इंजन का भी साउंड है उस साउंड में आपको क्या क्या चेकअप करना पड़ेगा ये हम आपको इस वीडियो के अंदर बतलाएंगे। तो इस बाइक का मैंने यहाँ पे देखिए फ्यूल टैंक और इस बाइक का सीट मैंने फाइनली पहले से खोल रखा है। इस बाइक को अभी हम कर रहे हैं स्टार्ट। पहले हम इस बाइक को स्टार्ट करके आपको साउंड सुना रहे हैं और इस बाइक में यहाँ पे देखिए बाइक का कंप्रेसर भी कम है। यहाँ पे देख रहे हैं इंजन से कितना ज्यादा किटकिट किटकिट का साउंड आ रहा है। इसके लिए आपको सबसे पहले बाइक का टैपिट चेकअप करना है। तो टैपिट चेकअप करने के लिए इस बाइक का दोनों टैपिट कवर को ओपन करना पड़ेगा। बाइक बंद भी हो जो मेन जो है वो स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ जाएगा। अगर इनलेट टैपिट ज्यादा टाइट रहेगा तो आपको बाइक में स्टार्टिंग प्रॉब्लम 100% आ जाएगा। सुबह को जब भी आप फर्स्ट स्टार्टिंग कीजिएगा तो बाइक स्टार्ट करने में आपको बहुत प्रॉब्लम करेगा। इसके लिए मुझे चाहिए 17 mm का पत्ती रिंच है। इस दोनों टैपिट कवर को हम कर लेते हैं पहले ओपन। उसके बाद जो है सो इस बाइक का यहाँ से देखिए ये मैग्नेट कवर पे जो 10 mm का एलकी बोल्ट लगा है और ये 17 mm का बोल्ट लगा है। इस दोनों बोल्ट को ओपन करना पड़ेगा। 17 mm का गोटी रिंच फिट हो जाएगा। यहाँ से इसको राउंड करेंगे और यहाँ पे हम इसका जो टाइमिंग चेकअप करेंगे। तो देखिए मेरे पास 17 mm का गोटी रिंच है, इसलिए हम इसको ऐसे कर लेते हैं। फिर यहाँ से इसको राउंड करते हैं और यहाँ पे हम इसका टाइमिंग चेकअप करते हैं। इस पे टी लिखा होगा कहीं पे, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं टी लिखा हुआ है और इसके आगे एक एरो का निशान लगा। इसको हम यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद ये जो दोनों टैपिट है इनलेट और एग्जॉस्ट, आपको दोनों टैपिट को हम यहाँ पे दिखला रहे हैं। देखिए पहले हम यहाँ से इस एयर सेक्शन वाल्व का जो पाइप लगा हुआ है इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो ये आप यहाँ पे देखिए ये जो इनलेट टैपिट है इसमें जरा सा भी यहाँ पे प्ले नहीं है और एग्जॉस्ट टैपिट में देखिए कितना ज़्यादा प्ले है। देखिए टिक टिक का साउंड आ रहा है। आपको टैपिट सेटिंग करने के लिए 8 या 9 का रिंग स्पिनर चाहिए और ये टैपिट पुलर चाहिए। तो ये देखिए मेरे पास टैपिट गेज है। मैं जो भी बाइक का टैपिट सेटिंग करता हूँ टैपिट गेज से ही सेटिंग करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक पे लिखा है 0.05 mm। तो आपको 0.05 mm जो आपको गैप रखना है टैपिट में, क्लियरेंस रखना है वो आपको रखना है ये एग्जॉस्ट वाले टैपिट पे। और यहाँ पे देख रहे 0.04 mm जो लिखा है वो आपको इसमें गैप रखना है, डिस्टेंस रखना है ये इनलेट वाले, ये जो इनलेट वाले टैपिट है इसमें। देखिए ये जो इनलेट टैपिट है बाइक का ज़्यादा टाइट हो गया है, इसके कारण जो है सो बाइक में इस प्रॉब्लम से कंप्रेसर भी कम था और बाइक एवरेज भी नहीं ले रहा था। इस टैपिट को हम करेंगे लूज और एग्जस्ट वाले टैपिट जो है उसको करेंगे थोड़ा टाइट। पहले हम इसको ढीला कर लेते हैं फिर उसके बाद इसमें गेज से हम इसको सेटिंग करेंगे। टैपिट मिलाने के लिए टैपिट गेज नहीं है, थोड़ा बहुत महंगा भी है, तो लोकल मार्केट में कई मैकेनिक के पास नहीं रहता है। तो आपको अभी हम जो बात कर रहे हैं इसको बिना गेज का टैपिट सेटिंग करके बतलाएंगे। ये जो मेरा जो अनुभव है उससे मैं इस बाइक का टैपिट सेटिंग करूंगा और बाइक में कंप्रेसर का प्रॉब्लम और जो किटकिट किटकिट का साउंड आ रहा था वो दोनों खत्म हो जाएगा। तो बिना गेज का आपको टैपिट कैसे सेटिंग करना ये हम इस वीडियो में आपको बतलाएंगे। उस साइड से थोड़ा नज़दीक से देखो टैपिट पर, फोकस करो।
तो देखिए नीचा से देखो ना, नीचा से यानी दूर से रखने जैसे टैपिड दिखाए पूरा अतः से नहीं देखा। तो देखिए ये जो टैपिड है इसको इनलेट वाले में ऊपर नीचा थोड़ा बिल्कुल थोड़ा गैप रखना है, सेंटर प्ले इसको बहुत कम रखना है। जैसे देखिए इस नट को, इस नट ये जो 9mm का ये नट लगा इसको ढीला कर देना है, फिर इस टैपिड को ढीला कर देना है। देखिए अभी बिल्कुल ढीला है, कितना ज़्यादा प्ले है, इसको आस्ते आस्ते से टाइट करना है। देखिए जहाँ पे ऑटोमेटिक टाइट होकर रुक जाए वहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो 9mm का नट लगा है इसको टाइट कर देना है, इसको पकड़ लेना है टैपिड पुलर से, इस नट को टाइट कर देना है। देखिए अभी जो टैपिड है वो प्रॉपर फिट हो गया, इतना में आपको 0.05mm का इस टैपिड में भी गैप है। आप इस तरह से बिना टैपिड गेज का आप टैपिड सेटिंग कर सकते हैं, प्रॉपर फिट हो गया। अब हम एग्जस्ट वाले को फिट करेंगे, इस तरफ से दिखलाओ एग्जस्ट वाले टैपिड पे। इस टैपिड को भी उसी तरीका से आपको फिट करना है, पहले इस बोल्ट को पूरा ढीला कर लेना है, फिर इसको आस्ते आस्ते टाइट करना है। देखिए यहाँ करके प्रॉपर मेरा टूल्स जो है सो रुक गया, इसको हम थोड़ा ज़्यादा ढीला कर लेंगे, थोड़ा ज़्यादा उससे इनलेट से थोड़ा ज़्यादा ढीला कर लेंगे, फिर इस नट को टाइट कर देंगे। इसमें ज़्यादा क्लियरेंस आ जाएगा तो आपको बाइक का फिर से टिक 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 का साउंड आ जाएगा, इंजन का साउंड खराब हो जाएगा। आपको ये चीज़ टैपिड सेटिंग करते वक्त बिल्कुल इस चीज़ पे आपको फोकस करना है कि अगर आपका बाइक का नहीं तो साउंड खराब हो जाएगा। टैपिड कवर को कर लेते हैं फिट, फिर आपको बाइक को हम स्टार्ट करके इसका साउंड सुना रहे हैं। इग्निशन इसका ऑन है, इस बाइक का बैटरी खराब हो गया है इसलिए इसको किक से स्टार्ट करना पड़ रहा है। देखिए ये जो मेरा बाइक है वो प्रॉपर स्टार्ट हो गया, और किटकिट किटकिट का जो साउंड था वो भी बंद हो गया यहाँ पे, और बाइक अभी स्टार्ट है। देखिए यहाँ पे हम बाइक का एक्सीलेटर को छोड़ दिया लेकिन बाइक मेरा स्टार्ट है। तो आप इस तरीका से टैपिड सेटिंग कीजिएगा तो बाइक में कंप्रेसर का प्रॉब्लम नहीं आएगा, और बाइक में जो मेन जो है वो स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ जाएगा। अगर इनलेट टैपिड ज़्यादा टाइट रहेगा तो आपको बाइक में स्टार्टिंग प्रॉब्लम 100% आ जाएगा। सुबह को जब भी आप फर्स्ट स्टार्टिंग कीजिएगा तो बाइक स्टार्ट करने में आपको बहुत प्रॉब्लम करेगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बाइक के रिलेटिव आपको जो भी कुछ पूछना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आप लोगों के साथ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।